यही कर रहे हैं, हर हाल में आपके आप सफल हो, जीवन में आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, हर आदमी के लिए आप आदर्श बने, हर व्यक्ति जो है ना आपकी जय जयकार करे, रोल मॉडल बने उन लोगों के लिए जो आपको बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि मेरा भैया कामयाब हो जाएगा तो मैं भी अच्छा कर लूँगा, मेरी दीदी कामयाब हो जाएगी तो मैं भी अच्छा कर लूँगा। और ये होता भी बेटा, हर फैमिली में ऐसा होता है, एक बड़े वाला भाई जब कुछ अच्छा कर लेता है तो बाकी सबको लाइन मिल जाती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बता सकता हूँ यहाँ आस के, जहाँ एक व्यक्ति हमारे गाँव में मांगीलाल जी तेतरवाल साहब है, मांगीलाल जी चौधरी साहब है और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी बेटा, पचकोडिया के व्यक्तित्व है और वो सिमिट मैक्सिको में बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सिमिट मैक्सिको में आप सोचिए कहाँ इंटरनेशनल साइंटिस्ट है और उनके बहुत बड़े बड़े पेपर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े महान, और उन्हीं का परिणाम है कि पचकोडिया में आज ये शिक्षा की जो अलग है उनका एक बड़ा रोल है। वो बन गए तो छोटे वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आजकल वो प्रोफेसर तक पहुँच गए जगदीश जी जितरवाल साहब। तो ऐसे ही होता है, परिवार में एक आदमी अच्छा कर जाता है तो सारे अच्छे कर जाते हैं। तो हो सकता है वो अच्छा करने वाले आप हो, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जहाँ से एक सिंगल परिवार का मेंबर नहीं होगा जो गवर्नमेंट जॉब में हो। हालांकि गवर्नमेंट जॉब सफलता है गारंटी नहीं होती, लेकिन गांव में तो आज भी यही मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सफलता, गवर्नमेंट जॉब लग गया इसका मतलब सफलता है। लेकिन हो सकता है, मैंने कहा ना कि एक भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो या एक भी, सारे लोग जो ना खेती कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, अक्सर अमूमन गाँव में यही होता है बेटा, हम सारे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, सारे लोग जो है ना लगे होते हैं खेतों के अंदर, सारे लोग वो काम कर रहे हैं और कभी समझ ही नहीं पाते अपने आप को कि मुझे वास्तव में ठीक है खेती कर रहे हैं वो एक है, लेकिन उसके बाद आगे भी दुनिया होती है बेटा, आगे की भी दुनिया होती है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए बेटा, कल्पना करना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही आदमी कुछ कर जाता है, सोचने से ही सफलता की शुरुआत होती है, सोचने से ही आदमी आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, सोचने से ही उसके दिमाग में वो अंकुर स्फुटित हो जाता है जहाँ से वो सफल हो सकता है, जहाँ वो पहुँच सकता है। इसलिए आप ठीक है, जो चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ ये भी कि और क्या बेहतर हो सकता है, जैसे मेरे घर वाले जी रहे हैं, क्या मुझे ज़िंदगी वैसे ही निकालनी है, क्या मुझे कुछ अच्छा नहीं करना है, क्या मेरे घर वाले जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, क्या वही मेरे वाला लाइफ होगा, क्या उसके बाद आने वाली मेरे बच्चे बच्ची या मेरी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही जिएगी, या कुछ अच्छा कर जाऊँ, कुछ ऐसा कर जाऊँ उसके लिए कि वो लोग गर्व करें मुझ पर और उनको लाइन मिल जाए। क्योंकि मैंने कहा ना बेटा, आप कामयाब हो गए तो ये मान लेना आपके छोटे भाई बहन सारे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी दीदी अगर ऐसा कर सकती है, मेरा भैया ऐसा कर सकता है जो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ उड़ते थे, मेरे साथ बैठते थे, उधर उधर साथ ही खाना खाते थे, साथ ही मजे मारते थे, अगर वो सफल हो सकते हैं ना तो मैं तो 100% सफल हो जाऊंगा, एक आदर्श बन जाएंगे बेटा, कम से कम अपने परिवार के लोगों के लिए तो आप बहुत बड़ी मिसाल बन जाएंगे, अपने परिवार के लिए तो एक आदर्श बन जाएंगे। इसलिए आप बेटा विचार कीजिए, मुझे करना ही अच्छा, क्योंकि ये वाला जो समय है इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ मजे मार लिए ना बेटा तो एक दिन आपको लगेगा अब मजे मारने का टाइम है, लेकिन मजे मारने के लायक ही नहीं रहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मजे मार सकूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ख्याति नहीं है, मेरे पास मेरे समाज में इज्जत नहीं है, मैं कहीं कुछ करने का मतलब अब रहा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, और यूँ लगेगा कि बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, बहुत रोते हैं बेटा लोग, बहुत रोते हैं, आज से 5 साल आपकी जो उम्र है उसके 5 या 7 साल बाद में उनके आंसू रुकते नहीं कि क्या गलती कर दी मैंने, उस दिन मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे पढ़ना था, मुझे अच्छा करना था, मुझे जो है ना एक डिसाइड करना था, लक्ष्य डिसाइड करना था, कोई एम और वहाँ पर पहुँचना था। अभी तो आपको लग रहा है दुनिया मस्त चल रही है, सब कुछ ठीक है, मुझे पैसा मिल रहा है, मदर फादर मुझे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये लोग ज़्यादा समय हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 5 या 4 साल बाद में अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, आपने अपने दम पे कुछ किया नहीं, आप सही जगह पहुँचे नहीं, तो सब आपको धुतकारने लग जाएंगे बेटा, एक बहुत भयानक दृश्य दिखा रहा हूँ, हर कोई आपसे नफरत करने लग जाएगा, सही बता रहा हूँ, आपसे कोई भी मिलके खुश नहीं होगा बेटा, लोग बच्चे जब आपसे मिलके किसी का जो बच्चा आपके पास खड़ा होगा तो वो ले जाएंगे गार्जियंस उसके, आजा किसके पास खड़ा है, ये कोई काम का नहीं है, ये तो बिल्कुल निठल्ला है, ये तो फर्जी है, ये तो दमदार नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, और ये इस तरह की जो है ना आपके साथ होना शुरू हो जाएगा और आपको अपने आप को ये जिंदगी आपको बोझ लगने लग जाएगी बेटा, ये जिंदगी आपको बोझ लगने लग जाएगी, कहाँ रह गया मैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई, और कैसे देखिए मेरा कैसे लोग तिरस्कार कर रहे हैं, लोग मुझसे मिलके खुश नहीं है, लोग मेरे पास खड़े होकर खुश नहीं है, लोग मुझे अपना कहते ही नहीं है और अपना कहने वाले भी खुश नहीं है मुझसे, ये वाली हालात थोड़े दिनों बाद में बन जाएंगे अगर आपने वाकई अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में नहीं सोचा। और मैं बार बार कहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा क्या किया है आज तक, क्या किया है आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कई बार कह चुका हूँ, क्या किया आज तक, जो है ना आप बीड़ी पीते थे, आज तक आप जो है ना दुर्व्यसन के शिकार थे, आपकी लतें खराब थी, आज तक ना मुंह से गालियां निकलती थी, आज तक जो है ना गंदे लोगों के साथ आप रहे, आज तक आप जो है ना कभी अच्छा किया ही नहीं जिंदगी में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई अतीत कभी भी भविष्य के बीच में नहीं आता, अतीत में क्या किया आपने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाइए, जो भी गलतियां आपसे हुई है, पढ़ नहीं पाए है ना, और कोई गलतियां हो गई सबको भूल जाइए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ना उनकी, उनको निकालिए,
उनको दिमाग में से निकाल दीजिए कि मैं वहाँ पढ़ता नहीं था, वहाँ ये काम करता था, वहाँ बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था या और कोई दूसरे बुरे आदतें थी मेरे अंदर, लेकिन उनको भूल जाइए बेटा, क्योंकि अब वो जो है ना उनको तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ से, नहीं तो वो बार बार में आपको परेशान करते रहेंगे, बार बार में परेशान करते रहेंगे, ये नहीं हो पाया मेरे से, ये नहीं हो पाया मेरे से, ये नहीं हो पाया मेरे से। और ये जो है ना, ये पहले वाली जो गलतियाँ वो इतनी भयंकर हाई होती है माइंड पे कि नया काम जो नई क्रिएटिव दिमाग है ना बेटा, उसको संकुचन कर देती है बेटा, उसको बिल्कुल सिकोड़ देती है और आदमी की सोचने समझने की क्षमता कम कर देती है। इसलिए जो गलतियां हो चुकी है हटा दो, उनको लाइफ से हटा दो, डिलीट कर दो। जैसे अपने रफ कॉपी नहीं होती, अपनी रफ कॉपी होती है, मान लेते एक रफ कॉपी लेके आए और सेशन पूरा हो गया और उसमें काफी सारा काम बच गया, थोड़े से 10-5 पन्ने भरे, तो हम क्या करते हैं, क्या उस रफ कॉपी के वो 10-5 पन्नों की वजह से उसको रखते हैं? ना, हम या तो उन पन्नों को फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, या उनको स्टेपल कर देते हैं। शुरू में आपने देखा होगा बच्चे स्टेपल कर देते हैं, पिछले साल का रफ वर्क है, स्टेपल करके गत्ता चढ़ा के फिर से काम शुरू कर देते हैं। जिंदगी यही तो है बेटा, लाइफ यही तो है, जो गंदे बुरे गलत दिन थे उनको स्टेपल कर दो, हटाओ ना उनको, या तो फाड़ के फेंक दो या उनको स्टेपल कर दो और फ्रेश पेज से शुरू कर दो ना जिंदगी को, फिर से फ्रेश पेज शुरू कर दो। अब अगले जो नेक्स्ट ईयर का काम उसको फ्रेश पेज पे शुरू कर दो बेटा, नया नई रोक कॉपी ले लो या फिर जो है उसको डिलीट करके वहां से फाड़ के हटा के या स्टेपल करके नई नए पेज से शुरुआत करो ना। हम लोग यही गलती करते बेटा, हम समझ ही नहीं पाते, हम लोग उलझे रहते, हम लोग रोते रहते हैं उन बातों के लिए जो अतीत में हुई है, रोते हैं बेटा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक ही जिंदगी में एक ही रट लगाए बैठे, काश मैंने रीट में थोड़ा और मेहनत किया, एक नंबर से रह गया। अरे तो दादा रह गया तो रीट थोड़ी बंद हो गया, और रीट बंद हो गया तो दूसरे और बहुत सारे कंपटीशन है, क्यों रो रहा है उस एक नंबर के लिए, क्यों अपने दिमाग को भारी कर रखा है? एक चुटकले से लोग बार बार हंसते नहीं है, मैं आपको चुटकला सुनाऊंगा, आप एक बार हंस जाएंगे, दोबारा सुनाऊंगा थोड़ा सा हल्का सा मजा आएगा, तीसरी बार सुनाऊंगा नहीं हंसेंगे आप, चौथी बार सुनाऊंगा नहीं हंसेंगे। जब आप एक चुटकले से बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख से बार बार रोते क्यों बेटा, एक दुख को लेके बैठे क्यों रहते हैं, एक दुख को जो है ना अपने दिमाग में इतना हावी क्यों कर लिया कि आपके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, आपका दिमाग अब सुन्न रहने लग गया, आपका दिमाग जो है ना अब पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा है। तो उनको हटाओ ना, उनको डिलीट करो ना और फ्रेश पेज पे नया स्टार्ट करो ना बेटा, क्योंकि ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, साहब मैंने वो किया, ये मतलब मेच्योर है बेटा, मैं आपसे कुछ मेच्योर बातें भी करूंगा, मैंने जो है ना फला ये प्रेम किया, प्यार किया, ये किया और वो ऐसे हो गया मेरे साथ, ये हो गया। अरे तुम छोड़ ना, दोबारा जो भी तेरे को जिंदगी में करना उस पर ध्यान देना, नई जिंदगी दोबारा फिर से स्टार्ट करना, छोड़ना उनको कहां बैठा है। अरे कोई नहीं बेटा, हजार हजार लोग आपको जिंदगी में कामयाब करने के लिए तब आएंगे जब आप में कामयाबी के कोई ना कोई लक्षण नजर आएंगे, आप में कुछ ना कुछ करने की। तो काफी सारे लोग जो है ना आपसे रिश्ते जोड़ लेंगे, काफी सारे लोग आपसे जो है ना रिश्ते निभाएंगे भी, लेकिन उसके लिए कामयाबी जरूरी है बेटा। और कुछ भी कर जाता है बेटा, कोई भी कभी भी कुछ भी कर जाता है, कोई नहीं फर्क पड़ता कहाँ जन्म हुआ है, किस घर में हुआ है, कौन सी ढाणी थी, और किस घर में कहाँ रहते हैं आप, इंटीरियर में रहते हैं, गाड़ियां नहीं चलती है वहां, ये फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं फर्क पड़ता बेटा फैसिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेंटेलिटी का फर्क पड़ता है बेटा। फैसिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटेलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने कई बार बच्चों के बारे में बताया था जो जिनके पास फैसिलिटी नाम से कुछ भी नहीं था बेटा, वो कुछ भी नहीं, बस केवल जो मिल गया इधर उधर से किताब लेके पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आज वो बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े अधिकारी है, कहीं ना कहीं ऊंचे प्रोफेसर है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी के MD है, बहुत बड़ा जो है ना उनका खुद का या व्यापार है या इंडस्ट्री है। तो यही लाइफ है बेटा, पहले वाला जो भी हो चुका हटा दो उसको और एक फ्रेश पेज पे जिंदगी को स्टार्ट कर दो। आज के बाद में नहीं रोना, हमें पुरानी बातों को लेकर नहीं रोना, मेरे साथ ये हो गया था तो मैं ये कर लेता, ये कायरो की बातें होती है बेटा, ये कायरो की बातें होती है, कायर ऐसी बातें करते हैं कि ये नहीं होता तो ये हो जाता। ये आप ये सामने बैठे, ये मेरी मिसेज भी सामने खड़ी है, कभी ये कहती है ना कई बार कि काश ये होता तो ये हो जाता, मैंने कहा जिंदगी में दोबारा वर्ड मत बोलना, भगवान कसम का कह रहा हूं जिंदगी में दोबारा वर्ड मत बोलना, क्योंकि हर चीज जो है ना कुछ सिखा के जाती है, हर चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, हर असफलता कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की नींव होती है बेटा, हर असफलता कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की नींव होती है। जैसे मैं मेरी बात करूं, कक्षा 12 में था, पटवारी का फार्म भरा और मुझे पटवारी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, देट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म, वही एक पात्र फॉर्म था जो मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार भरा था, उसके पहले कभी नहीं भरा, आगे कभी किसी नौकरी के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, और मुझे उस समय इतना दुख हुआ, नींद नहीं आई मेरे को नींद नहीं आई, बोला ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत श्योरिटी थी, क्योंकि भाई हो जाएगा सिलेक्शन, हर कोई यही समझता हो जाएगा, जैसे आप में भी बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना बेटा, सफलता केवल उनको मिलने वाली है, कड़वा सत्य है बेटा, हो सकता है लोग आपको बेवकूफ बनाए आपका हो जाएगा, या आप अपने आपको सांत्वना दे कि मेरा हो जाएगा, गलतफहमी में जी रहे हैं आप में से कई सारे सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी जो टेस्ट लग रहा है इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो वहां कामयाब हो जाऊंगा, कोई नहीं हुआ बेटा आज तक,
जो आपका यहाँ रैंक चल रहा है ना, यही लिख लेना, वही रैंक वहां आना है। तो अभी भी आपके पास टाइम है बेटा, सुधार लीजिए अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि जितनी एनर्जी है सारी इस समय लगा दीजिए बेटा, क्योंकि जिंदगी में शायद फिर एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बढ़िया कैंपस बढ़िया कॉलेज मिल गया, ऐसा माहौल मिल जाएगा, आप नहीं चाह के भी पढ़ लेंगे, नहीं चाह के भी आप अच्छा कर लेंगे। और ये कभी नहीं सोचना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को वो नहीं आती है, मैं कैसे पढ़ूंगा। अरे बेटा, जितने भी बच्चे जाते हैं ना, वो बिना इंग्लिश के जाते हैं, और जब निकलते हैं ना तो पूरे अंग्रेज बन के निकलते हैं। तो ये सारा माहौल पे मिलता है, वहाँ माहौल पे फर्क पड़ता है, इसका माहौल का है बड़ा रोल। और वहाँ जब जैसे ही आपको माहौल मिलेगा, आपको अंग्रेजी भी आएगी, आपको पढ़ाई भी आएगी, जो कमजोरियाँ वो भी निकलेंगी। लेकिन मैंने कहा ना, पुरानी गंदगी को निकाल दीजिए बेटा माइंड में से, हम लेके बैठे रहते हैं उनको, हम रोते रहते हैं पुरानी बातों को, अक्सर आपको लोग मिलेंगे जो रोते ही रहते हैं। और मैंने कहा भी है कई बार, ज़्यादातर जो रोने वाले लोग होते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात इतनी गहराई से बैठ चुकी होती है कि वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। मैंने कई बार कहा ना, भाई इस साल तो ऐसे हो गया, भैंस मर गई, पार्टी मर गई, ये हो गया, रोते रहते हैं गाँव में, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं। कभी नहीं करना बेटा, कभी नहीं करना, कब, जब तक आप है ना, एक वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, लोग बोलते हैं कि जब तेरे जले हुए घर को देखा तो मुझे लगा सब कुछ जल गया, बचाई क्या है। हालांकि मुझे ज़्यादा शेरो शायरी नहीं आती है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग कोशिश कर लेता हूँ बेटा, अच्छा हो सकता है सही बैठे भी नहीं, बहुत मस्त है, मुझे ये लाइन बहुत मस्त लगती है कि तेरे जले हुए घर को देखा तो लगा कि सब कुछ जल गया, बचाई क्या है। तेरे जले हुए घर को देखा तो लगा कि सब कुछ जल गया, बचाई क्या है। लेकिन मेरे यार, जब तुझे जिंदा देखा तो मुझे लगा सब कुछ बच गया, जलाई क्या है। मेरे यार, जब मैंने तुझे जिंदा देखा तो मुझे लगा सब कुछ बच गया, जलाई क्या है। समझ में आई बात? हम तो है ना बेटा, हम तो है ना। और जब तक हम है ना, हिम्मत नहीं किसी की कि परिवार पे या इस दुनिया पे, इस देश पे, इस हिंदुस्तान पे कोई आंच आ जाए, ये भावना होनी चाहिए। मैं तो हूं ना, कोई बात नहीं, सारा चला गया, खर्चा हो गया, जल गया, ये हो गया। फिर बहुत बार होता है बेटा, कई बार जो है ना, इतने बड़े बड़े लॉसेज होते हैं कि आप सोच नहीं सकते बेटा। मैं तो, आप मानेंगे नहीं, मतलब करोड़ों रुपए के भी नुकसान हुए हैं, करोड़ों रुपए के। बच्चों को पता है, कई सारे बच्चों को पता होगा, एक बार एक बहुत बड़ा जो है ना बेटा, वो छापा पड़ा था। हालांकि हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने कोई जीएसटी नहीं ली, ना किसी को जीएसटी हमें ली नहीं, तो हमने जमा नहीं कराई तो वहाँ से। लेकिन उसके बाद में भी कसम खा के कह रहा हूँ, जब वो लोग गए थे, बहुत ही ग्रेट थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा के वो गए, जब गए तो मिठाइयाँ बांटी मैंने, लोग टेंशन में आ गए, सारे जो है ना, जो टीम राजधानी के मेंबर्स है सब पसीने आ रहे हैं उनके, ये हो रहे हैं। मैंने क्या हो रहा है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? बोलो सर, इतना बड़ा वो कर गए, इतना करोड़ों का है ना, 2.5 करोड़ का वो बता रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है, सारा कुछ क्या लेके आए थे? मैंने फादर से जो है ना, उनका जमीन है, उनसे ज्यादा ही किया है। तो ऐसा तो नहीं कोई खानदानी जो है ना, भाई बहुत पैसा कोई था और उसको हम पिताजी के पैसे को, मैंने कहा सारा चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल पिताजी की जो जमीन है वो रह जानी चाहिए, वो रह जानी चाहिए, बाकी सब कुछ चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्या लेके आए थे? हमने सब कुछ हमने अपने दम पे किया है और जब तक है तो और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और कर लेंगे, दो यूं मान लेंगे भाई 10 साल बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो। मैंने कहा मिठाई बांटो, सबको मिठाई खिलाई, सारे बोला सर ये पागल हो गए क्या सर, वो सारों को लगा होगा पागल हो गए, इतना बड़ा सदमा सर सहन नहीं कर पा रहे। मैंने कहा पागल नहीं हुआ, आप पागल हो जाएंगे इसको टेंशन को लेके, मैं मजे आ रहा है मुझे तो, आज मुझे लगा कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, आज लोगों के सामने जब जाएगा ये बातें फैलेगी, कितनी बड़ी कीर्ति होगी राजधानी की, कितना बड़ा छापा पड़ा है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े छापे तो कोटा और सिकर में भी नहीं पड़ते होंगे, आज उनके लेवल में आ गए हम, आज उनके लेवल में आ गए, लोग जो है ना हमें पैसे वाले मानने लग गए, लोग कह रहे हैं बहुत पैसा उनके पास, इतना बड़ा तो छापा पड़ गया, इतना तो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। तो मैंने कहा हमारे बच्चों की शादी आराम से हो जाएगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो कोई साटा भी नहीं करना पड़ेगा भाई, बच्ची देनी है फिर वहां से देनी है, ये नहीं है, अब तो लोग ऐसे ही दे देंगे यार वो तो पैसे वाले हैं। मैंने कहा इसके पॉजिटिव पॉइंट निकालो, कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आ रहे हैं, लोगों की बड़े लोगों की उसमें शामिल हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट्स में शामिल हो गए, फोकट में प्रचार हो गया, फोकट का मतलब जो लगा हो तो भाई, जो लेना हो तो वैसे भी ले जाएंगे, लेकिन जो वीडियो पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान में चला कि ऐसा एक संस्थान जहां पे पकड़ा गया, इतना वो मजा आ गया ना यार, जियो जिंदगी, खूब मस्त खूब खेलो। मैंने कहा कुछ नहीं, जो है वो फिक्स है, क्योंकि दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बेटा। एक वो माहेश्वरी जी का बहुत अच्छा डायलॉग है बहुत तगड़ा डायलॉग है, मजा आता है मुझे वो सुनने में, वो एक बहुत अच्छा उनकी कहानी है, संदीप माहेश्वरी जी द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी आपने सुना होगा, वो एक उनका एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल प्रोग्राम है जहाँ उन्होंने सुनाया, इतनी गजब लगती है मुझे वो कहानी। और जब भी मुझे लगता है कुछ बुरा हो रहा है तो वो कहानी मैं याद कर लेता हूँ। उसमें वो इस तरह सुनाते हैं कि अकबर और बीरबल होते हैं, अकबर बीरबल होते हैं और उस समय उनकी दोनों की जो है ना कोई बातचीत चल रही होती है, तो अचानक अकबर के दिमाग में आता है कि बीरबल हमारी व्यवस्था करवाई जाए, हम शिकार खेलने जाना चाहते हैं। बोला महाराज हो जाएगी व्यवस्था, आप तो तैयारी कीजिए। तो अब होता क्या है कि अकबर जो है ना अपने म्यान में से तलवार निकाल रहे होते, अचानक उनका अंगूठा कट जाता है,
तो वो चिल्ला रहे होते हैं, सिपाहियों फटाफट वेद को लेके आओ, देखिए मेरा अंगूठा कट गया, मेरे बुरे हाल हो गए, देखिए फटाफट लेके आइए। अब इतने में बीरबल बड़े मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा के कह देते हैं, ओ महाराज डोंट वरी, दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब आप सोचिए महाराजा की कितना बड़ा गुस्ताखी है, महाराजा की शान में, अकबर महान की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि उनका एक सामान्य सा दरबारी कह रहा है कि महाराज जो भी हुआ अच्छा हुआ है, अंगूठा कट गया उसके लिए भी कह रहे हैं जो भी हुआ अच्छा हुआ है। तो इतने में उन्होंने सिपाहियों को कहा, अकबर ने, भाई सिपाही वैद्य जी को छोड़ो, इस कमीन को उठाओ, यहाँ से इस बीरबल को उठाओ और ले जाके लटका दो उल्टा, और रात भर इसके कोड़े मारो और सुबह जल्दी फांसी लगा देना इसको। अब वो बीरबल को उठा के ले जाते हैं, कहते हैं बीरबल अकेले ही चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए, घोड़ी पे बैठ के एक आधा कोई सिपाही लेके चले जाते हैं और रात को जंगल में भटक गए, लेट हो गए और वहां पर आदिवासी मिल गए, आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। आदिवासियों को एक बलि चढ़ाने के लिए किसी आदमी की जरूरत थी, तो अकबर तो बहुत अच्छे मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैन थे और अच्छे मतलब बिल्कुल खून वून जबरदस्त वाले आदमी थे, तो बोला यार फोकट में मिल गया आदमी, अपने अपने कबीले के आदमी की क्यों बलि चढ़ाए जब इतने बड़े आदमी मिल गया है। उनको नहीं पता महाराजा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने बंदी बना लिया, उनको बांध दिया और उनका डांस, उसमें डांस चल रहा है, झिंगा लाला हु कर रहे हैं वो सारे, और बस बलि चढ़ाने की तैयारी थी। अचानक एक आदिवासी की नजर उनके अंगूठे पे पड़ती है, बोला महाराज क्या कर रहे हैं आप, ये तो अछूत है, इनकी बलि नहीं चढ़ सकती, ये तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, ये तो खंडित है, इनकी बलि चढ़ाने से माता नाराज हो जाएगी। तो अंगूठा कटा होने की वजह से उनको फिर छोड़ दिया गया, वो आजाद हो गए और वहां से घोड़े पे बैठ के भग रहे हैं, बीरबल उनको लग रहा है फांसी लग गई होगी अब तक। तो अब वो दौड़ रहे और जैसे ही पहुंचते उससे ठीक फांसी का फंदा लगभग डली गया था, केवल चढ़ाना ही बाकी था। उनका रोको बीरबल को वापस उतारो, और उतार के दोनों गले मिल रहे हैं, मतलब बड़ा एक अच्छा वाला सीन बन गया, वहाँ कैमरा भी चारों तरफ घुमाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। बोला मजा आ गया बीरबल, तूने सही कहा था, जो भी होता अच्छे के लिए होता, अगर मेरा अंगूठा आज कटा नहीं होता तो शायद वो आदिवासी मुझे ना चढ़ा देते सूली के ऊपर, बलि दे देते मेरी, मुझे काट डालते। तो उन्होंने कहा महाराज सही कह रहे हो आप, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मजा मुझे। बोला बीरबल पागल हो गया कि अभी तू ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तू तो रात भर कोड़े लग रहे तेरे और थोड़ी देर में फांसी होने वाली थी। बोला महाराज मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि अगर मैं आपके साथ गया होता ना तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरा तो अंगूठा कटावा ही नहीं था, इसलिए महाराज दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत क्यों हो रहा है, हम ये यहाँ अच्छा नहीं कर पाए, यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बेटा याद रखना आपकी एक नाकामयाबी किसी बहुत बड़ी कामयाबी की नींव रख रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने देखा था कि जिसमें एक पुलिस की भर्ती होने के लिए जाता है एक जवान, उसको धुतकार देते हैं वो लोग, काफी सारे लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे चलता है, फेसबुक पे चलता है। वो वापस आता है उसके बाद कई दिन तक वो सोचता रहता है क्या करूं, उसके घर पे खाने को नहीं होता है, मदर वगैरह बड़े परेशान से रहते हैं। फिर उसने कहा कुछ अच्छा करूंगा, उसके बाद उसने पागलपन डाल लिया, कुछ अच्छा करूंगा और दौड़ना, ये करना, पढ़ाई, दौड़ना, खेत में काम करना, मेहनत करना, साथ साथ खूब पढ़ाई करना। और वही बंदा जब फिर IPS बन के गया, जहाँ कहाँ एक सिपाही के लिए भर्ती होने गया वहाँ दुत्कार दिया, उसको भगा दिया गया, और वही बंदा उन जो दुत्कारने वाले थे उनका बड़ा अधिकारी बन के गया। वो ऐसा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों ने। तो ये सब कुछ बेटा आपके अंदर है, कुछ भी कर जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व है आप, और सारा कुछ आपके अंदर। मैं बार बार कहता हूँ किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना बेटा, कोई चमत्कार नहीं होना, कोई भगवान नहीं आने, कोई पैगंबर नहीं आने, सब कुछ आपको करना है, ये युद्ध आपको अपने दम पे जीतना है। एक ही लाइन में बार बार कहता हूँ, किसी के आगे जो है ना मदद की उम्मीद मत करना बेटा, कोई मदद नहीं करेगा आपको। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप ही कर पाएंगे, क्योंकि लोग कभी भी आपको कामयाब देख के खुश नहीं हो पाएंगे। इस लाइन को लिख लेना बेटा, चाहे कितने भी, हो सकता है माता पिता की नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आपके भैया बहन की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके बाकी जो फैमिली मेंबर है कभी भी आपको कामयाब देख के, तो आप सोच लीजिए आपको कामयाब देख के जब आपके फैमिली के जो मेंबर्स है, काफ़ी सारे मेंबर्स है, वो खुश नहीं है, इसका मतलब आप बाकी से क्या उम्मीद करेंगे, कौन आगे बढ़ाएगा आपको, कोई नहीं बढ़ाने वाला, कौन कहेगा, कोई नहीं कहने वाला। अच्छा करने के लिए आप, गलत होगा तो भी जिम्मेदार आप, आगे बढ़ेंगे तो भी जिम्मेदार आप होंगे, सफल हो गए जिम्मेदार आप, असफल हो गए जिम्मेदार आप, स्वस्थ है जिम्मेदार आप, अगर बीमार है जिम्मेदार आप, क्योंकि आपके अलावा दुनिया में ना कोई आपको आगे बढ़ा सकता है, ना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, सारा कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, भगवान ने आपको आप अपने जैसा बनाया बेटा, ईश्वर को नारायण के बाद में अगर कोई वैसा का वैसा कोई है जिसके हाथ पैर नाक समझने की सोचने की क्षमता, तो बेटा नर के अंदर होती है, उस परमपिता ने आपको बहुत सावधानी से बनाया है, और जिस साँचे से आपको बनाया गया है उस साँचे को उसी समय तोड़ दिया गया है, इसका मतलब आप दुनिया की क्रिएटिव पर्सनालिटी है, दुनिया की यूनिक पर्सनालिटी है, आप जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, आप जैसा दुनिया में कोई बना नहीं है, आप जैसा दुनिया में कोई बनेगा भी नहीं, तो किसके भरोसे बैठे हो,
किसके भरोसे बैठे हो बेटा? कोई मदद नहीं करना, आपको ही अपनी जंग लड़नी है। जिंदगी की, जिंदगी आपकी है, जंग आपकी है, तो मशक्कत भी आपकी होगी, सफलता के प्रयास भी आपके होंगे, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे बेटा, जीत भी आपकी होगी। लोग तो केवल पहले आपके लिए ताने कसेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे तालियां बनाओगे, बजाएंगे। दुनिया तो केवल दो ही कामों के लिए बनी है, तालियां। पहले वेंगे, फिर तालियां, वेंगे तालियां, वेंगे तालियां। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो शुरू में वेंगे, मजे लेते हैं, कुछ नहीं होगा तेरे से, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, तेरे जैसे पता नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। अरे क्या समझता हूँ मैं तेरे को, तू कुछ नहीं है मेरे सामने। पहले दुत्कार, और जब कामयाब हो गए तो मिठाई तैयार। यही जिंदगी है बेटा, यही लोग है, और कामयाब आपको होना है। कर जाओ बेटा कुछ, कुछ ऐसा कर जाओ इस समय में कि मिसाल बन जाओ बाकी लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए आदर्श बन जाओ, आने वाली पीढ़ियां जो ना आपके जयकारे लगाए। किसी के भरोसे मत बैठो, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ आपको करना है। जिंदगी आपकी है, जंग आपकी है, महायोद्धा आप है, अर्जुन भी आप है, कृष्ण भी आप है, युद्ध भी आपको लड़ना है, धर्म की स्थापना भी आपको करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज 50वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए, बड़ा मज़ा हमें आया। स्पेशली मुझे आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बाकी टीम के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और गंदी दुनिया है, देखो रवि चौधरी जी कह रहे हैं सर बहुत गंदी दुनिया है, सही कह रहा है बेटा, बहुत ही गंदी है। और निकिता बिटिया कह रहे देर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिटिया, प्रॉब्लम नहीं होता बेटा जिंदगी में निकिता बिटिया, प्रॉब्लम तो शब्द ही नहीं होता है। प्रॉब्लम तो देखिए डिक्शनरी में जो प्रॉब्लम का वर्ड है वो होता है ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा प्रश्न जिसका हल नहीं होता। तो क्या प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में जिसका हल नहीं है? मान लेते किसके पास पैसा नहीं है, है ना हल, आप कुछ अच्छा करो, मेहनत करो, क्रिएटिविटी रखो, आएगा बेटा एक दिन। आप जो है ना कमजोर है, शरीर कमजोर है, हल है ना उसका, आप एक्सरसाइज करो, घूमो, कमजोर है तो घूमो बेटा। लोग कहते हैं कमजोर होने पे घूमना नहीं चाहिए, कमजोर होने पे और कमजोर हो जाता है, कमजोर नहीं होता बेटा। सुबह का घूमना आपके बॉडी वेट को नॉर्मल करता है बेटा, इसलिए घूमो, घूमोगे तो भूख लगेगी, अच्छा खाओगे अपने आप ही सही हो जाओगे, और ज्यादा मोटे हो तो भी घूमो, अपने आप ही आपका चर्बी निकलेगा नॉर्मल बॉडी वेट होगा। तो स्वस्थ बनने के लिए घूमो ना आप, तो हर चीज का जब हल है, बीमार है तो आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, घूमो, स्वस्थ हो जाओगे। पैसे नहीं है तो बेटा मेहनत करो, अच्छा करो, पैसे आएंगे एक दिन। कामयाबी नहीं है तो उसके लिए भी प्रयास करो, मेहनत करो, लोग आपको जानते नहीं है, पहचान, जान पहचान एक मिनट में होती है बेटा। जिस दिन आपने अपना सब कुछ, अपना बेस्ट कर दिया, उस दिन लोग आपको अपने आप जानने लग जाएंगे। तो सब कुछ आदमी खुद करता है बेटा, और जिम्मेदार भी खुद होता है। तो हर चीज का जब हल है तो कभी उसको प्रॉब्लम मत कहो। आज के बाद में जिंदगी में प्रॉब्लम शब्द ही यूज नहीं करना बेटा, प्रॉब्लम शब्द ही यूज नहीं करना है, बल्कि आज से उसको कहना है पजल, पजल कहना बेटा उसको, पहेली कहना है, क्योंकि पहेली को सोल्व करते जाओ मजा आता जाता है। एक लाइन सोल्व किया, इधर से किया, आडा तिरछा किया, अगली पे पहुंच गए, और मजा आया, और थोड़ा टेक्निकल आई, फिर और टेक्निकल आई, फिर और टेक्निकल आई, और ऐसे करते करते उस पजल को जिस दिन पूरा कर गए, खुशियां आई बेटा, उसके बाद, उसके बाद कामयाबी आई, मजा आ गया, जिंदगी को पजल्स को हल करता चला गया। तो ये सारा कुछ आपके अंदर है। आज के बाद में प्रॉब्लम शब्द यूज नहीं करना है, पजल यूज कीजिए, चैलेंज यूज कीजिए,